नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एनआईए ने एक पाकिस्तानी जासूस को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन में हैं और यहां से ही जिस स्पॉट पर हम हैं यहीं से रेलवे स्टेशन से एक जासूस को, जो पाकिस्तानी जासूस था, उसे एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी सी तस्वीरें हम आपको यहाँ की स्पॉट की दिखा दें कि ये रेलवे स्टेशन का आसपास का ये इलाका है और इस एरिया में कई सारे लोग जो है वो रात को यहीं पर सोते भी हैं। थोड़ा सा अगर आपको घुमाकर यहाँ सामने दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर रात के अंधेरे में यहीं पर सोते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई जासूस जो है वो भी यहाँ पर भिखारी बनकर बैठा हो और यहाँ की फोटोज क्लिक कर करके खुफिया जानकारियां जो है वो बाहर पाकिस्तानी हैंडलरों को भेज रहा हो। लेकिन जानकारी ये है कि एक पाकिस्तानी जासूस को एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और ये जो जासूस था ये राजस्थान का रहने वाला था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मोहित जम्वाल। मोहित जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो खुफिया जानकारियां बाहर भेज रहा था, इसकी क्या जानकारी है? दीपक, इसका नाम बच्चू लाल मीना है और ये राजस्थान निवासी है। ये रेलवे स्टेशन से फोटो क्लिक कर अपने अकाउंट को पाकिस्तान भेज रहा था। एनआईए को इसकी सूचना मिली, एनआईए ने इसे तुरंत गिरफ्तार किया और उसके बाद अपने साथ ले गई। जब मेरी आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने पुष्टि की है इस बात की कि इसे गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम बच्चू लाल मीना है और ये राजस्थान का रहने वाला है। बच्चू लाल मीना जी दीपक, तो कब से ये यहाँ पर सक्रिय था? इस तरह की कोई जानकारी? देखो, ये जांच का विषय है ना, ये वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये आदमी कब से यहाँ रह रहा था और इसने क्या क्या फोटो जो पाकिस्तान में भेजी है अपने साथी को, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बट एनआईए अब इसके फोन की जांच कर रही है और इससे पूछताछ कर रही है और जल्द इन सबको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दीपक, मतलब ये यहाँ की खुफिया जानकारियां जो था वो भेज रहा था, अलग अलग संस्थानों के फोटो क्लिक करके भेज रहा होगा जी दीपक। तो इसके पास कितनी सिमें मिली है, कितने फोन थे, कोई इस तरह की जानकारियां? दीपक, अभी तक एनआईए ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरी एनआईए के एक सूत्र से बात हुई थी, उसने बताया कि इसका नाम बच्चूलाल मीना है और इसे आज तड़के गिरफ्तार रेलवे स्टेशन से किया गया है। हाँ, तो उसके बाद शुरुआत में जानकारी आ रही थी कि त्रिकुटा नगर से इसे गिरफ्तार किया गया। नहीं दीपक, ये त्रिकुटा नगर थाना का एरिया लगता है, इसलिए त्रिकुटा नगर की जानकारी आ रही थी। लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन से इसे गिरफ्तार किया गया और एनआईए द्वारा किया गया है। ये कितना खतरनाक हो सकता है जो खुफिया जानकारियां यहाँ से बाहर ये पाकिस्तान में बैठे अकाउंट को भेज रहा था? दीपक, ये जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की एजेंसियां जी खतरा था। मुझे आपकी आवाज कट रही है जी दीपक, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोले दीपक। ये एक समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए ये इंसान को मुहैया करवा रहा था, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये मोहित जी की थोड़ी आवाज को टेक्निकली फॉल्ट होगा या कोई नेटवर्क नहीं होगा जिसकी वजह से आवाज बीच में कट रही थी, लेकिन एनआईए की तरफ से ये जो जासूस है जो राजस्थान का रहने वाला था, इसे सुबह यहाँ से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और जानकारियां ये है कि इसके पास अलग अलग सिमें जो है वो मिली हैं व्हाट्सएप से। ये जो खुफिया जानकारियां था वो भेज रहा था पाकिस्तानी हैंडलरों के टच में था और अभी जांच की जा रही है, अभी पूछताछ की जा रही है, तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ये कब से यहाँ पर था, क्या इसने क्या क्या यहाँ से बाहर जानकारियां भेजी हैं, ये सब जो है वो चीजें बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि एक पाकिस्तानी जासूस को एनआईए की तरफ से रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।